शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग की लापरवाही और उदासीनता लगातार देखने को मिल रही है। यहाँ देखा जा सकता है कि अधिकतर स्कूल बसों की क्षमता से अधिक जो है इन बसों में बच्चों को बिठाया जा रहा है और बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ ही स्कूलों में बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं सीहोर जिले की, जहां बुधनी के एक स्कूल की, जहां जो है स्कूल में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। स्कूल में बच्चों के लिए ना तो खेल ग्राउंड की व्यवस्था है और ना ही स्कूल की बिल्डिंग पर स्कूल का नाम लिखा हुआ है। स्कूल में बच्चों की जुआन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चों को लाने ले जाने के लिए जिन बसों को जो है चलाया जा रहा है, उन स्कूल बसों में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया जाता है। जब इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी से बात की गई तो दोनों अधिकारियों ने स्कूल पर कार्रवाई करने की बात की। आपने जैसा बताया मुझे संज्ञान में आया, बाकी अभी इसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई थी और अभी कुछ समय पहले मैंने पूरा सुप्रीम कोर्ट की माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत उनको निर्देशित भी किया है सभी स्कूल संचालकों को। तो इसमें निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है और इस पर मैं कार्रवाई इस पर करता हूँ। देखिए, आपके द्वारा मेरे संज्ञान में ये आया है कि बुधनी में जो डीडी कॉन्वेंट स्कूल है उसमें ये इस तरह की जो है अनियमितताएं पाई गई हैं। तो जहाँ तक सवाल है कि बच्चों को अगर बस में ठूस ठूस के भरा जा रहा है तो ये तो बहुत गलत है। हमने हमेशा हर जगह प्राइवेट स्कूलों पर ये ऐसे मौखिक और लिखित निर्देश जारी किए हुए हैं कि जो आरटीओ के नॉर्म्स हैं उसको उनको पूरा करना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये तो बहुत ही गलत है। और रहा सवाल आपका कहना है कि स्कूल में यदि बोर्ड नहीं लगा है तो हम इसकी जांच का विषय है कि ये बोर्ड लगा क्यों नहीं लगा है।